अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भारी संख्या में पहुंची कलेक्ट्रेट, विशाल रैली के बाद दिया ज्ञापन। विगत दिवस खरगोन जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एकजुट हुए और विशाल रैली का आयोजन किया और मेन मार्केट से होते हुए पहुंचे नवीन कलेक्टर भवन और जमकर नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसमें मुख्य मांगों में परमानेंट करना, वेतन बढ़ाना सहित आदि मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर आगे भी बड़े स्तर पर आंदोलन करने की भी बात कही। शासकीय कर्मचारी बनाया जाए, क्योंकि 40 वर्षों से कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कई ऐसी कार्यकर्ता है जो रिटायर हो के कहीं की नहीं रही, क्योंकि इधर बुढ़ापे में न तो उनसे काम होता है न शासन उन्हें कुछ लाभ दे रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपये वो भी शिफ्टों में दिया जाता है तो उससे घर नहीं चलता है। तो शासन से हमारा यही निवेदन है कि हमारा मानदेय बढ़ाएं और न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये। अगर मांगे नहीं माने गए तो किस प्रकार का आंदोलन आगे देखेंगे? हम महा आंदोलन करेंगे, तालाबंदी आंदोलन करेंगे। पूरे खरगोन जिले की कार्यकर्ताएं सहायिकाएं भारतीय मजदूर संघ से संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले हमें कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर हमें कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 रुपये और सहायिका को 9,000 रुपये दिए जाए। शासन की योजना अनुसार 2018 में उन्होंने आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल का नाम दिया है। जिस तरह उन्होंने नाम दिया है उसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता हटाकर प्री प्राइमरी स्कूल का नाम दिया जाए, सहायिका को प्री प्राइमरी सहायक का नाम दिया। क्या 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 मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग यह है हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है आंगनवाड़ी की समस्त गतिविधियों को हम अपने जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में हमने काम किया है, ताकि हमारे काम के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जाता, हमसे काम लेने के लिए तो सरकार आदेश लागू कर देती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये काम करेगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो काम करेगी। इस बढ़ती हुई महंगाई में अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या आगे कदम होगा? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो अगले माह में प्रदेश के निर्देशानुसार देशव्यापी आंदोलन कर धरने पर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।